हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने एमएक्स टकाटक ऐप पर फोटो से वीडियो बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि एमएक्स टकाटक ऐप पर फोटो से वीडियो कैसे बना सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अमरजीत। वीडियो देखने के लिए चलता हूँ अपने फोन पे। तो यहाँ पे अपने फोन पे है और हमें यहाँ पे अपने फोन एमएक्स टकाटक ऐप में फोटो से वीडियो बनाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि फोटो से वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है प्लस का आइकॉन, तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेता है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है एडिट इमेज, तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेता है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा गैलरी जो है यहाँ पे ओपन हो गया है। तो चलिए हम यहाँ से कुछ इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है नेक्स्ट का, तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेता है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो जो फोटो को यहाँ से सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है नेक्स्ट का, तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएटिंग वीडियो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है म्यूजिक का, तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा म्यूजिक यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ से किसी एक म्यूजिक को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है अपील का, तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वीडियो में म्यूजिक लग चुका है। आप देख सकते हैं कि नीचे में ऑडियो का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि राइट साइड में ऊपर में एक ऑप्शन दिया हुआ है कंप्लीट का, तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमें फिर से कंप्लीट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वीडियो बनके रेडी हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया राइट डिस्क्रिप्शन बिफोर अपलोड। आप चाहे तो यहाँ से वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ माई वीडियो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टाइप किया माई वीडियो। यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना है वो यहाँ से आपको बारीकी से यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है पोस्ट का, तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ अपलोडिंग यहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वीडियो अपलोडिंग हो रहा है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। तो चलिए मी के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट वीडियो यहाँ पे आ गया है, तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे फोटो से वीडियो बन चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो शो कर रहा है। तो इसी तरह से अपने एमएक्स टकाटक ऐप में फोटो से वीडियो बना सकते हैं।